ये चीज़ को ट्राई किया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसका एक्सपीरियंस जो है काफ़ी अच्छा है। तो चलिए बने रहे मेरे साथ और आगे जो है उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, देखते हैं आगे और क्या है। वेलकम बैक माई YouTube चैनल Enjoy with MK। तो गाइज कैसे हैं आप लोग, आई होप अच्छे ही होंगे। तो फाइनली आज जो है हम विक्टोरिया मेमोरियल हॉल को जो है एक्सप्लोर करेंगे और वहां पहुंच चुके हैं। तो यहां जो भी चीज़ें हैं, जो भी बातें हैं, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में जो एक म्यूज़ियम है तो वो भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। तो अंदर जाने के लिए सबसे पहले जो वहाँ टिकट काउंटर आपको, टिकट काउंटर उधर है साहब, तो वहाँ से आपको सबसे पहले तो टिकट लेना पड़ेगा और टिकट लेने के बाद जो है आप अंदर एंट्री करेंगे। तो चलिए चलते हैं टिकट काउंटर के पास और देखते हैं कितना प्राइस है और टिकट लेते हैं, उसके बाद अंदर चलते हैं, उसके बाद जो है अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। तो बने रहे मेरे साथ और वीडियो को स्किप न करें, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं टिकट काउंटर की तरफ। फाइनली दोस्तों टिकट मैं ले लिया हूँ। एक टिकट का प्राइस जो है 30 रुपया है, और ये टिकट जो है म्यूजियम और गार्डन का है। अगर सिर्फ आप गार्डन के लेना चाहते हैं तो 20 रुपया टिकट प्राइस है, तो आप ले सकते हैं इजीली और जा सकते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और अच्छे से जो है एक्सप्लोर करते हैं। तो बने रहे मेरे साथ और वीडियो को जो है आप स्किप न करें। दोस्तों ये जो उजला उजला छोटा छोटा कंकड़ दिख रहा है, इस रास्ते का नाम क्वीन वे रास्ते है। जो उजला उजला आपको कंकड़ दिख रहा है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ से देखने में। चलिए अंदर चलते हैं और अच्छे से जो है इसको एक्सप्लोर करेंगे। वो जो ऊपर आपको दिख रहा है वो पहले जो है घूमता था, फिलहाल जो है ये बंद हो चुका है, नहीं घूमता है। गाइज हम जो है अंदर आ चुके हैं और अंदर आने के बाद व्यू जो है मैं आपको दिखाऊंगा। तो बने रहे मेरे साथ और वीडियो को जो है स्किप न करें। बर्लिन नेताजी 1942।
मेंशन है, तो ये सब चीज़ ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं, आगे जो गैलरी है उसमें क्या है नहीं है। ये जो है इनफील्ड बंदूक है, प्रथम विश्व युद्ध में इसका इस्तेमाल किया गया था निर्माण के प्रति 1865 से 1868। इस बंदूक को ये जो दोस्तों देख रहे हैं, ये तात्या टोपे को अचकन के साथ उनके सिर के केस रेशम एवं मखमल का कपड़ा है। ओरिजिनल मॉडल है विक्टोरिया महल का। और इस मॉडल को जो तैयार किया था बाई डब्ल्यू इमर्सन ने। तस्वीर में आपको देखने को मिलेगा क्लाउड मार्टिन एंड हिज फ्रेंड, उसके फ्रेंड को देखने को मिलेगा। तो आप देख रहे हैं पर आके बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, काफ़ी इन्जॉयमेंट कर रहे हैं। अगर आप अभी तक नहीं आए तो यहाँ विजिट करिए, काफ़ी मज़ा आएगा। तो मैं यहाँ का जो है व्यू दिखाता हूँ, अच्छा अच्छा बने रहे मेरे साथ और वीडियो को जो है स्किप मत करें। डायरी जो है मेजर जनरल शाहनवाज खान की डायरी है।
ये नेताजी का जो है वेनियर का जो पासपोर्ट है, आप देखिए पासपोर्ट। नीचे का जितना भी गैलरी था वो सब मैंने देख लिया और आपको दिखा भी दिया। फाइनली चलते हैं ऊपर वाला गैलरी को देखेंगे और वहाँ क्या क्या है इसको एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों यहाँ से आप देखिए बाहर का नज़ारा कितना बेहतरीन लग रहा है। यहाँ आकर आपको दिल खुश हो जाएगा। अगर अभी तक आप नहीं आए तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, या फिर आपको घूमने का मन है तो यहाँ आ सकते हैं। काफ़ी मस्त नज़ारा है यहाँ का। ये पहले जमाने का तोप है। फाइनली गाइज हम लोग जो है ऊपर भी आ चुके हैं और ऊपर से आपको नीचे का जो लोकेशन दिखाया वो काफ़ी लोकेशन अच्छा था। अब जो है पीछे चलते हैं अंदर और अंदर देखते हैं अंदर गैलरी में क्या रखा हुआ है नहीं है उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो बने रहे मेरे साथ और वीडियो को जो है आप स्किप ना करें। भीड़ देखो कितना भीड़ है यहाँ, बहुत एंजॉय आ रहा है। आप लोग भी आइए और एंजॉय करिए। दोस्तों अगर आप ऊपर वाले तल्ला पर चढ़ते हैं तो यहाँ एक दिया गया है जो क्रांतिकारी को खोजिए। यहाँ पर खड़े होकर आप अपना फेस को रिकग्नाइज करेगा और बताएगा कि आप किस क्रांतिकारी की तरह लगते हैं। तो इसको जो हम ट्राई करने वाले हैं, देखते हैं किससे फेस मिलता है। प्लीज स्टैंड हियर, यहाँ पर जो है आपको दोनों पैर रखना है और रखने के बाद जो है और रिकग्नाइज करेगा ये फेस को और बताएगा कि आप जो है किस क्रांतिकारी की तरह लगते हैं। तो मैं तो ट्राई करने वाला हूँ, अगर आप आते हैं तो आप भी ट्राई करिए इस चीज़ को। ओह माय गॉड, विष्णु गणेश पिंगले, ओह माय गॉड, सही है सही है। तो मैंने ये चीज़ को ट्राई किया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसका एक्सपीरियंस जो है काफ़ी अच्छा है। तो चलिए बने रहे मेरे साथ और आगे जो है उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, देखते हैं आगे और क्या है। ये जो है पिस्टल है, ये भी एक टाइप का पिस्तौल ही है। और ये जो कारतूस है, जो गोली जिसको कहते हैं, फाइनली पबजी वाला राइफल जो यहाँ मिल चुका है। और ये क्या है, गन पाउडर, और ये जो है गन पाउडर है। और ये जो दोस्तों बम है, पता नहीं फूटेगा कि नहीं लेकिन रखा हुआ है। रिवॉल्वर भी मिल चुका है, रिवॉल्वर है ये छोटा वाला। और इधर जो है कारतूस रखा हुआ है जैसे गोली हम कहते हैं।
फाइनली दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं जो हूँ विक्टोरिया मेमोरियल हॉल को जो अच्छे से एक्सप्लोर किया हूँ और बहुत सारे चीज़ जो है इसमें दिखाया हूँ। और यहाँ और अगर आप जब भी आते हैं, अगर आना है तो आप हावड़ा से जो है आप बस वगैरह पकड़ के या कैब वगैरह लेकर भी आ सकते हैं इजीली। लेकिन अगर आप चाहते हैं मेट्रो से आने के लिए तो आपको नज़दीकी मेट्रो जो है मैदान मेट्रो है स्टेशन है तो वहाँ पर आके आप उतर सकते हैं और कुछ कदम चलना है उसके बाद आप विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो है वहाँ पहुँच जाएंगे और जो है आसानी से इंजॉयमेंट कर सकते हैं देखकर। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो है सोमवार को बंद रहता है, मंडे को जो है बंद रहता है और ये ओपन होता है 10 बजे से लेकर लगभग 5 बजे तक ये ओपन रहता है। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक ओपन रहता है तो आप किसी भी टाइम आकर जो है इंजॉय कर सकते हैं। और टिकट प्राइस मैंने आपको बता ही दिया है, 30 रुपये है, ज़्यादा नहीं है। लगभग जो है 4 ऐसे ऐसे जो आप पीछे देख रहे हैं तालाब है, लगभग 4 तालाब हैं और गार्डन जो है बहुत बड़ा गार्डन है तो आप इस गार्डन में जो है घूम सकते हैं इजली, काफ़ी मज़ा आने वाला है। जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया होगा गार्डन बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ बैठकर आप ढेर सारा इन्जॉयमेंट ले सकते हैं। दोस्तों कभी आप अगर हावड़ा आते हैं ना या कोलकाता आते हैं तो आप ज़रूर विक्टोरिया मेमोरियल हॉल को, कहने का मतलब है यहाँ आप आइए घूमने के लिए। यहाँ फैमिली लोग जो है काफ़ी घूमने आते हैं और यहाँ हमेशा भीड़ रहता है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए ताकि इस तरीके का वीडियो जो मैं हमेशा बनाता रहूँ, मोटिवेट होते रहूँ। तो अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो मैं मोटिवेट होता हूँ और नए नए जगह जाने का और वीडियो बनाने का जो है अंदर से उत्साह होता है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू।